गुड मॉर्निंग क्लास फोर, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जीके के 3 चैप्टर्स रीड किए थे ना। 3 चैप्टर्स हमारे, 3 चैप्टर्स हो गए थे। और अब मुझे पता है आप लोगों ने वर्क भी अपना कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम अपना जीके का 4 चैप्टर फन विद म्यूजिक का स्टडी करेंगे। फन विद म्यूजिक मतलब म्यूजिक के साथ मस्ती करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके ऊपर की थोड़ी हेडिंग को पढ़ लेते हैं। आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए, पेज नंबर 8, 4th चैप्टर फन विद म्यूजिक। देखिए क्या लिखा हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेक म्यूजिक जॉयफुल इन अवर लाइफ। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो म्यूजिक को बहुत हमारी जिंदगी में बहुत ही जॉयफुल मतलब खुशियों से भर देते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इन द म्यूजिक वर्ल्ड। जो म्यूजिक वर्ल्ड है उसमें बहुत तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ दीज पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नेम देम। हमें इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और इन इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आप फर्स्ट नंबर पर, आपने टीवी में देखा होगा ना ये ड्रम। आप कभी किसी जागरण वगैरह में जाते होंगे तो भी आपने देखा होगा इनको। तो ये क्या है, ड्रम सेट। क्या है ये, ड्रम सेट, DRUMSET, ड्रम सेट। नेक्स्ट देखिए, आप जब शादी में जाते हो तो देखा है ना आपने, बाहर बैठ के लोग इसे बजाते रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, शहनाई। इसे क्या बोलते हैं, शहनाई, SHENAI, शहनाई। नेक्स्ट देखिए, इसे क्या बोलते हैं, सिंथेसिजर। इसे क्या बोलते हैं, सिंथेसिजर। इसकी स्पेलिंग क्या, SYNTHE, सिंथेसाइजर, SIZER, सिंथेसाइजर। नेक्स्ट देखिए, ये आपको पता है ना गिटार है, लेकिन ये गिटार कौन सी है, इलेक्ट्रिक गिटार। ये लाइट से चलती है। स्पेलिंग क्या है इसकी, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक, GUITAR, इलेक्ट्रिक गिटार। देखिए पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है, ड्रम सेट, DRUMSET, ड्रम सेट। सेकंड पे क्या दी हुई है, शहनाई, SHENAI, शहनाई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सिंथेसाइजर, SYNTHE, सिंथे, SIZER, साइजर। नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक गिटार, ELECTRIC, GUITAR, इलेक्ट्रिक गिटार। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर पर क्या दिया हुआ है, ये एकॉर्डियन। आपने देखा है ना उसमें फिल्मों में इसे बजाते हुए ना। तो इसकी स्पेलिंग क्या, ACORDION, एकॉर्डियन। नेक्स्ट क्या है, ये फ्लूट। ये फ्लूट तो आप लोगों ने भी काफी बजाया होगा, बांसुरी बजाई है ना ये फ्लूट। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, FLUTE, फ्लूट। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, सैक्सोफोन। आप जब किसी मैरिज में गए होंगे तो देखा ना, जब बारात निकलती है जाती है तो ये सैक्सोफोन को बजाते हुए काफी लोग निकलते हैं, SAXOPHONE, सैक्सोफोन। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, क्लैरिनेट। क्या है ये, क्लैरिनेट। स्पेलिंग क्या है इसकी, CLARINET, क्लैरिनेट। नेक्स्ट देखिए, ये 9 नंबर पर क्या है, ट्रम्पेट। क्या है 9 नंबर पर, ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट। समझ में आया आपको। अब देखिए नीचे हमारे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10 नंबर पर, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्लेज इट। जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं वो क्या बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, सितार नहीं, वो क्या बजाते हैं, सितार। तो आपको लिखना है सितार की स्पेलिंग, SITAR, सितार। नेक्स्ट देखिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान प्लेज इट, क्या बजाते हैं, शहनाई, SHENAI, शहनाई। क्या बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान, शहनाई। आपको मैंने शहनाई दिखाई थी ना, ये देखो ये है ना शहनाई, इसके इसको कौन बजाता है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान प्लेज इट, शहनाई। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो आपको अपने इन फ्लूट्स के नेम लिखने हैं, जो भी ये हमने इंस्ट्रूमेंट दिए हैं इनके आपको नेम लिखने हैं। 10 और 11 नंबर का क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, इसको नीट एंड क्लीन आपको अपना ये वर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।